हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान की इस समय वर्ल्ड कप में लगी हुई है, लेकिन पाकिस्तान वो कुत्ते की पूंछ है जो कभी भी सीधी नहीं हो सकती है। बड़ी मुश्किल से 4 मैच हारने के बाद एक मैच जीते हैं और उसके बाद उन्होंने उलझुल बातें करना शुरू कर दिया है। परसों पाकिस्तान के एक प्रीवियस जो पूर्व क्रिकेटर हैं, ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक, उन्होंने ये कहा है कि जो बुमराह है वो एक बेबी बॉलर है, एक बच्चा बॉलर है, शाहिनशाह आफरीदी के सामने वो कुछ भी नहीं है। मानते हैं शाहिनशाह आफरीदी भी ठीक बॉलर है, लेकिन इतना बड़ा चढ़ा के इतना कहने की कोई जरूरत नहीं है, है ना। तो बुमराह इस समय जो है टॉप क्लास बॉलर है वर्ल्ड क्रिकेट में, आप सभी को पता है, हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। लेकिन ये है कि एक किस्सा है ना कि यार, फलो फूलो अपनी औकात मत भूलो, लेकिन पाकिस्तान के साथ उल्टा है। ये तो ना तो फल फूल रहे हैं और ऊपर से अपनों अपनी औकात जो है और भूल जा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या ये कितना सही है यार, कहां तक सही है? किसी दूसरे प्लेयर को तुम ऐसे ही उलझुल बातें करो उसके बारे में, जबकि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी कुछ भी औकात उसके सामने नहीं है। चलिए सुनते हैं, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने अपने ही देश की जो टीम है, खिलाड़ी है, उनके बारे में क्या कहा है और उनको किस तरीके से धोया है। चलिए साथ में वीडियो देखते हैं। पाकिस्तानी बंदे, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर अपनी अपने गलत बयानात से बाज नहीं आएंगे। ये लोग, इनको जब थोड़ी सी, वो कहते हैं ना कि प्रमोशन मिल जाए, ये वैसे ही अगली टीमों के प्लेयर्स को नीचे गिराना शुरू कर देते हैं, नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। अब्दुल रजाक, आपको पता है कि इससे पहले भी एक ऐसा स्टेटमेंट दे चुके थे बाबर आजम और विराट कोहली के बारे में कि बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली। अब्दुल रजाक ने आई थिंक आज से कुछ 4-5 महीने पहले बोला था, और ये बिल्कुल फजूल बात थी, बिल्कुल फजूल बात थी। अब फिर अब्दुल रजाक ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसके ऊपर उन्होंने बोला है कि ये पक्की बात है, और मैं हमेशा से इस बात पे ऐसे ही मानता हूँ। उन्होंने बोला है कि शाहीन शाह अफरीदी इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह, मतलब शाहीन अफरीदी जसप्रीत बुमराह से बहुत बेहतर बॉलर है। ये बात की है पाकिस्तान के ऑलराउंडर, साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रजाक ने। वो एक चैनल के ऊपर बैठते हैं वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन के लिए, जिसमें उन्होंने बोला है कि शाहीन अफरीदी जो है वो जसप्रीत बुमराह से बहुत बेहतर बॉलर है, और जसप्रीत बुमराह एक बेबी बॉलर है, बच्चा नहीं से कहते, बच्चा बेबी बच्चा जिसे कहते हैं, एक बच्चा बॉलर है। अच्छा, जसप्रीत बुमराह मेरे घंटे के किंग, अगर एक बेबी बॉलर है तो उसको पावर प्ले में कोई चौका क्यों नहीं मार रहा? पावर प्ले में वो सिंगल क्यों नहीं देता? पावर प्ले में बंदे उसे डरते क्यों हैं? मुझे बताना, मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर क्यों है वो पावर प्ले का, मुझे बताना जरा। उसकी पावर प्ले की बॉलिंग और शाहीन अफरीदी की पावर प्ले की बॉलिंग निकाल के देख लो, उसकी मिडिल ओवर की बॉलिंग, शाहीन अफरीदी की मिडिल ओवर की बॉलिंग निकाल के देख लो, उसकी डेथ ओवर की बॉलिंग और शाहीन की डेथ ओवर की बॉलिंग निकाल के देख लो। बेटा, जसप्रीत बुमराह की बैट छोड़ दे। अच्छा, भाई ने ये बात किया कि जी शाहीन अफरीदी वनडे रैंकिंग में भी नंबर 1 में आ चुके हैं और वर्ल्ड कप में भी हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, तो जी शाहीन अफरीदी इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह। बेटा, जसप्रीत बुमराह से बेहतर मेरी नज़र में इस वर्ल्ड क्रिकेट में अभी कोई नहीं है। जसप्रीत बुमराह फुल स्किलफुल बॉलर है, जितनी स्किल जसप्रीत बुमराह के पास है ना, उतनी स्किल किसी के पास नहीं है। आप कल को तो ये बोल दो कि जी टेपिया इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह, टेपिया कहाँ से बेहतर है मुझे बताना जरा। जब बाबर आजम वनडे रैंकिंग्स में नंबर 1 आया था, तो इन्होंने बोला कि जी बाबर आजम वनडे रैंकिंग में इसलिए नंबर 1 आ चुका है कि वो बाबर विराट कोहली से बेहतर है। ओ मेरे घंटो, बेटा ये काम करने छोड़ दो, अपनी टीम की हालत देखो। शाहीन अफरीदी तब किधर था जब इंडिया के खिलाफ मैच था? क्यों नहीं आउट किया शाहीन अफरीदी ने? क्यों नहीं बॉल अच्छी की? शाहीन अफरीदी तब किधर था जब पहले 2-3 मैच में शाहीन अफरीदी बिल्कुल ऑफ कलर नजर आया, कुटवाड़ी थी इसको। शाहीन अफरीदी एशिया कप में किधर था? बेटा, जो अच्छे बॉलर होते हैं ना, जो अच्छे बैट्समैन होते हैं, वो कंसिस्टेंट होते हैं। जसप्रीत बुमराह हर ओवर में, हर मैच में, हर मैच के पहले पावर प्ले में विकेट्स भी निकाल के देता है और चौका भी नहीं खाता, उसको पावर प्ले में चौका मारना अजाब बन जाता है। और तुम बकवास पेल रहे हो बैठ के कि जी जसप्रीत बुमराह बैटर नहीं है शाहीन अफरीदी से। और जसप्रीत बुमराह रेड बॉल में भी शाहीन से बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। T20 में भी बेहतर है और वनडे में भी तो बहुत ही बेहतर है ना। बेटा, जो जसप्रीत बुमराह का यार्कर होता है ना, यार्कर, वो बंदे का गिट्टा नहीं, गिट्टा तोड़ देता है। बेटा, जसप्रीत बुमराह के आस पास भी कोई नहीं है। तू मेरे से ये बात करना कि जसप्रीत बुमराह वर्सेस ट्रेंट बोल्ट, मैं बोलूंगा जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह वर्सेस मिचेल स्टार्क, मैं बोलूंगा जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह वर्सेस पैट कमिंस, मैं बोलूंगा जसप्रीत बुमराह, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट किया हुआ है। बेटा, पाकिस्तान किधर है? और पाकिस्तान किधर है इस वर्ल्ड कप में? डंडा दूं मैं जरा तेरे को, दूं डंडा मैं? पाकिस्तान किधर है इस वर्ल्ड कप में? किधर है पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में? पाकिस्तानी तो है ही नहीं वर्ल्ड कप में, हम तो दूसरी टीमों में बैठे हुए हैं। साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को हरा देगा, फिर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा देगा, फिर हम न्यूजीलैंड को हराएंगे और हम सेमीफाइनल में चले जाएंगे। यार शर्म तो नहीं आती? लानत भेज दी चाहिए आपकी शक्लों के ऊपर। मतलब जिस बंदों को यही नहीं पता किधर हैं, बाहर हैं, किधर हैं, सेंटर में खड़े हुए हैं, पता ही कोई नहीं है। और स्टेटमेंट तो भाई
ये जवेद मियां दाद को ले लो, ये वो आकिब जवेद को ले लो। आकिब जवेद तो कहता था कि हारिस रऊफ भी जो है वो मोहम्मद सिराज से बेहतर है। बेटा हारिस रऊफ तो टेपी है, उसको तो आपने टेप से उठाया हुआ है, वो तो टेपी है, उसको तो मार पड़ती है, वो कहां से बेहतर है मुझे बताना जरा। यार लॉजिक रिलेट करके ना बात को फिर किया करो, फजूल में बक बक करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। गली में बच्चे बच्चे को बताया कि बाबर आजम का क्या कैलिबर है और विराट कोहली का क्या कैलिबर है। विराट कोहली वर्ल्ड क्रिकेट का किंग है और ये घंटा ऑफ क्रिकेट है, ऑफिशियली घंटा है। कल बांग्लादेश खिलाफ भी रन नहीं किए, इसने तो कल बांग्लादेश खिलाफ, कोहली के तो बांग्लादेश खिलाफ 100 है, इसके तो बांग्लादेश खिलाफ रन नहीं है। बेटा अगर ये इन बीच में भी नहीं ना चलेगा तो ये घंटा है, ये खुद बता रहा है आपको कि मुझे घंटा बोला करो। एक मैच में 5 विकेट ले लेना या एक में 4 विकेट ले लेना तो आप ये नहीं कह सकते कि जी वो उससे बेहतर बन गया। उसके लिए आपको वर्ल्ड क्रिकेट को मनाना पड़ता है। वर्ल्ड क्रिकेट में जितने भी दिग्गज बैठे हो, मैं सबसे पूछा कि जसप्रीत बुमराह और शाहीन अफरीदी में क्या क्लास, वो आपको बता देंगे कि शाहीन अफरीदी नई बॉल में अगर विकेट नहीं मिली तो इतना लिथल नहीं होगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जब जब ओवर करने आएगा उसकी एक एक बॉल लिथल है। अब्दुल रजाक साहब बेटा ये पाकिस्तान की बॉलिंग में तो जी टेपिए पड़े हो मैं सारे, तू बेटा शर्म कर थोड़ी सी, ये बात करने का तुक बनता नहीं था वैसे। तन ये पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, ये पाकिस्तान के कुछ लोग जो ट्विटर पे हगने आ जाते हैं, ये किस कैलिबर के बंदे हैं, इतने को घटिया किस्म के ये लोग हैं, इतने को घटिया किस्म के ये लोग हैं, मतलब शर्म आती है मुझे तो भाई देख के। कोई कैलिबर नहीं है इनकी बातों का और लगता ही नहीं है ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं। विदाउट एनी कॉन्सेप्ट पहला अप्लाई कर रहा है, मतलब यार बिल्कुल मतलब ठंडी बात है यार। तो दोस्तों कोई कुछ भी कहता रहे यार, अपना बुमराह जो है वो तो शहनशाह बादशाह है दोस्तों वर्ल्ड क्रिकेट में, ठीक है, भारत के लिए और पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में। कोई कुछ भी कहता रहे हमें क्या ही करना है, लोग भौंकते रहते हैं बोलते रहते हैं। तो दोस्तों बाकी के वीडियोस के लिए, इसी प्रकार के वीडियो अगर आपको देखने हैं वर्ल्ड क्रिकेट में और विश्व में बाकी क्षेत्रों में और पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें और भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों को अगर आपको देखना है जानना है तो एक ही पॉइंट आपको मिलेगा हमारे चैनल पर, आप जुड़ जाइए हमसे, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बाकी दोस्तों तक शेयर भी करेंगे तो हमारी मदद हो जाएगी। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इसमें इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। भारत के लिए एक लाइक बनता है।